दोस्तों, आज हम गोकरू के फायदे के बारे में जानकारी लेंगे। गोकरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शरीर को ताकत से भर देती है और ऊर्जावान बनाए रखती है। गोकरू का पौधा जमीन पर फैलता है और छत्ते के रूप में होता है। यह कांटेदार होता है और इसे कांटी गोकरू भी कहा जाता है। गोकरू की दो प्रजाति पाई जाती है, एक छोटी गोकरू और दूसरी बड़ी गोकरू। इसमें हम आज छोटी गोकरू के बारे में आपको बता रहे हैं। गोकरू ज्यादातर सड़क के किनारों पर, मैदानी इलाकों में और खेतों में खपतवार के रूप में उत्पन्न होता है। इसकी 2 से 3 फीट लंबी शाखाएं चारों ओर फैल जाती है। पत्ते चने की भांति होते हैं और आकार में कुछ बड़े लगते हैं। इसके पुष्प छोटे पीले रंग के और चक्राकार होते हैं। इसके फल छोटे और गोल तथा चपटे होते हैं। इसका आकार पंचकोणी होता है। इसमें 2 से 6 कांटे लगे होते हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसे गोकरू, हथचिकार, छोटा गोकरू और सराटे जैसे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। गोकरू का गुणधर्म वात पित्त शामक वेदना को मिटाने वाला और रक्त पित्त शामक होता है। यह हृदय के लिए हितकारी, कफ को दूर करने वाला, गर्भ का स्थापन करने वाला और सूजन को दूर करता है। इसके अलावा यह मूत्राशय का शोधन करता है, पेशाब की रुकावट दूर करता है और पथरी में लाभकारी होता है। शरीर की दुर्बलता दूर करने के लिए और यौन शक्ति बढ़ाने के लिए गोकरू का उपयोग किया जाता है। इसके लिए गोकरू के 20 ग्राम फलों को 250 ग्राम दूध में अच्छी तरह से उबालें, फिर छानकर इसे रोजाना सेवन करने से ताकत और मर्दानगी बढ़ती है। इससे वीर्य की वृद्धि होती है और पुरुषार्थ बढ़ता है। यह एक बाजीकरण औषधि है। इसके अलावा 10 ग्राम गोकरू के चूर्ण के साथ 10 ग्राम सतावर का चूर्ण मिलाकर 250 ग्राम दूध में उबालकर रोजाना पीने से भी शरीर में ताकत और स्फूर्ति बढ़ती है। पुरुषों के अलावा स्त्रियों के लिए भी ये गोकरू बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए गोकरू के फलों के चूर्ण के 10 से 20 ग्राम मात्रा की पंखी रोजाना लेने से स्त्रियों की बांझपन की समस्या मिटती है। पथरी को दूर करने में गोकरू का कोई जवाब नहीं। इसके लिए 5 ग्राम गोकरू के चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार मरीज को पिला दे और ऊपर बकरी का दूध पिलाए। ऐसा लगातार 1 सप्ताह तक करने से पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है।